हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के तो लगता है कि सब लोग जो है जेएन के रिजल्ट की प्रतीक्षा में बैठे हैं। सब वेट कर रहे हैं कब जेएन का रिजल्ट निकलने वाला है। आरयूएनएल जेई इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी तक भी रिजल्ट निकला नहीं है और आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, यही सब लोग पूछते रहते हैं। तो रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हम एक यहाँ पे चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है कि काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है हर एक पोस्ट के लिए। जब रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग होती है, वैकेंसीज के हिसाब से कौन सी जगह कितनी वैकेंसीज है और उस हिसाब से काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और आपको जब अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करना है तो उस टाइम पे किसको ध्यान रखना है, कौन से एरिया को आपको इम्पोर्टेंस देनी है या कौन से फील्ड को इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी जगह को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किस जगह को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देनी नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम करने वाले हैं डिस्कस। तो रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी ही आ जाएगा, आपकी जो वेट जो है खत्म हो जाएगा जल्दी ही। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब आपका रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का हो चुका है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट किस तरह से आएगा, क्योंकि आपने जब एग्जाम का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे कंपनीज जो है प्रायोरिटी में भरी थी, उसके अंदर आपने कोई एक कंपनी सेलेक्ट नहीं करी थी कि आपको इस कंपनी में जाना है या फिर आपको सिर्फ इसी कंपनी का एग्जाम देना है। आपने प्रायोरिटी में एग्जाम दिया था, प्रायोरिटी में कंपनी सेलेक्ट करी थी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी कौन सी कंपनी है, इस तरह से। और आपने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जो है वैकेंसीज के हिसाब से प्रायोरिटीज दी थी कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसमें सबसे नंबर वन प्रायोरिटी पे रखेंगे हम, या फिर किसी ने जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से भी प्रायोरिटी दी होगी कि कौन से कंपनी में जाना है आपको, कौन सी कंपनी आपकी प्रायोरिटी है, भले ही नंबर ऑफ वैकेंसीज वहां पे कम है। तो इस तरह से आप लोगों ने सबने प्रायोरिटी फिल करी थी उसके अंदर। तो अब क्या होगा, आपका मेरिट बेसिस पे रिजल्ट आएगा कि जो कंपनी का जो आपने प्रायोरिटी फिल किया है उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं क्या। जो टॉप एक ही कंपनी को सेलेक्ट करने वाले बच्चे हैं उसके अंदर जितने मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं उसके अंदर से जितने ज्यादा मार्क्स सबके आ रहे हैं वो मार्क्स वाले उस कंपनी को लेते जाएंगे इस तरह से, और वो कंपनी के अंदर जितनी वैकेंसीज है वो फिल हो जाएंगी मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेकंड नंबर ऑफ कंपनी जो प्रायोरिटी में डाली है उसके ऊपर आएगा, इसी तरह से आपकी प्रायोरिटीज फिल होती जाएंगी। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिल सकती है उसके अंदर, और आपके थोड़े से मीडियम मार्क्स है तो आपको सेकंड या थर्ड नंबर की प्रायोरिटी उसके अंदर मिल जाएगी, और जिसके सबसे कम मार्क्स है उसको लास्ट प्रायोरिटी में जो आपने फिल किया है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी बेस रहेगा, प्रायोरिटी फिल होती जाएगी कंपनीज में, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा जिसके अंदर आपको एक सेलेक्टेड कंपनी के अंदर आपका जो है नाम आ जाएगा कि इस कंपनी में आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो है आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर है, काउंसलिंग अलग से होगी, उसके अंदर आप सब लोगों को बुला लिया जाएगा और आपको क्या करना होगा, वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपको, जैसे आपने राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम जो है उसको सेलेक्ट किया है जो आपको प्रायोरिटी में आई है और आप उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी मुझे ध्यान नहीं है कितनी है, लेकिन 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे कि आपको प्रायोरिटी से मार्क्स के हिसाब से बुलाएंगे, जिसके टॉप मोस्ट मार्क्स है उसको सबसे पहले नंबर आएगा और जिसके सबसे कम मार्क्स है उसका लास्ट में नंबर आएगा। इस तरह से आपको एक बुलाया जाएगा कॉन्फ्रेंस हॉल में, और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इस आरवीपीएन जो प्रसारण है इसके अंदर इतनी नंबर ऑफ पोस्ट है, इसके अंदर ये जगह पे पोस्ट है, आपको कौन सी वाली पोस्ट चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको बता दिया जाएगा, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट 10 है तो 10 पोस्ट नंबर कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से एरिया पे है, कौन कौन से ऑफिसेज हैं, कौन सी जगह पर है, वो सारी चीजें वो जो है नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पे डिस्प्ले होंगी उसके अंदर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी प्रायोरिटी लेनी है इस लोकेशन में से या इस पोस्ट में से। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी जगह आपको जाना है, कौन सी ज्यादा सूटेबल है या फिर कौन सी अच्छी जगह है, किस तरह से आपको काम करना है, आपको काम नहीं करना है, दूसरी किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपको सिर्फ इसी में रहना है और यही काम करना है, या फिर आपको जो है काम भी करना है और वर्क लाइफ आपकी जो है बैलेंस करके रखनी है, ये सारी चीजें वहां पे मैटर करती हैं आपके लिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी जगह किस तरह से है क्या है, तो आप किसी भी अगर आपके टॉप मोस्ट मेरिट में मार्क्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद भी आपने जो है अच्छी लोकेशन चूज नहीं करी है तो कोई बेनिफिट नहीं रहा उसका।
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अब जैसे मान ले बात कर लेते हैं JVVNL, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, जयपुर डिस्कॉम जो है उसकी बात करें, तो उसके अंदर भी सारे 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा पोस्ट नंबर, वो पोस्ट या तो आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिए जाएंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट है, आपको कौन सी जगह जाना है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेंसी है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आपको चूज करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की वर्क लाइफ है, किस तरह का बैलेंस है या नहीं है, तो आप किस तरह से चूज करेंगे उसको, और किसी को भी चूज कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसमें आपको सारे फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखने हैं कि आपको क्या करना है आगे, किस तरह की जॉब चाहिए, किस तरह की लोकेशन चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए और किस तरह का आपका वर्क लाइफ का बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की, जो आपका है RV, क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, RVUNL जिसके नाम से आपने फॉर्म फिल किया है, तो वो आपकी कंपनी है, उसके अंदर आपको प्लांट्स जो है अलॉट होंगे। तो प्लांट्स के हिसाब से आपको जो है लोकेशन किसी भी ले सकते हैं। प्लांट का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर, प्लांट्स के अंदर जब आप जा रहे हैं तो कोई भी प्लांट आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी नहीं होंगी विद्युत उत्पादन के अंदर। और अगर आप एरिया अगर डिसाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर एरिया आपको इस तरह से देखना है कि कौन सा जो प्लांट है आपका वो किस तरह का, ये नहीं है कि कौन सा प्लांट कौन से एरिया में। जैसे मान ले बात करते हैं कोटा, झालावाड़, बारा, इन सब की, तो इस तरह से आप अगर देखेंगे सूरतगढ़ है, जैसे इस तरह के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, कोटा में है, झालावाड़ में है, तो उसमें देखेंगे जो कोटा और झालावाड़ को अगर कंपेयर करते हैं तो एरिया वाइज झालावाड़ सबसे खराब एरिया में आता है। लेकिन अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है कोटा से ज़्यादा बढ़िया झालावाड़ वाला है, वहाँ की लोकेशन अच्छी है इस तरह से। लेकिन प्लांट सारे एक जैसे ही होते हैं, तो उसके अंदर आप अगर चूज किसी को भी कर लेते हैं तो भी कोई मैटर नहीं करता वहाँ पे। अब अगर बात करते हैं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की, ठीक है, RVPN जिसको बोलते हैं अपन, RVPN के अंदर आपको जो अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आप आ रहे हैं, सबसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपको और आपका पहले नंबर आ रहा है वैकेंसीज जो है, जब आप वहां पे काउंसलिंग हो रही होगी तो वैकेंसीज जो है साइट के ऊपर लाइव चल रही होंगी कि कितनी वैकेंसीज फिल कर ली हैं और कितनी वैकेंसीज अभी बची हुई है, किसने क्या क्या चूज किया है, वो सब भी वहां पे डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप के लिए कितनी पोस्ट बची हुई है, अभी तक कौन सी लोकेशन बची हुई है, वो सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं आप, लाइव चल रहा होगा सब। तो अगर प्रसारण निगम की बात करें तो प्रसारण निगम के अंदर आपके आते हैं 220 kV GSS और 132 kV GSS। ये दो GSS जो है वह पूरे एरिया में, पूरे राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन और प्रसारण है पूरा राजस्थान में एक है। तो अगर बात करें RVPN की, तो 220 और 132 kV GSS जो है उसके अंदर किसी भी एरिया में आप चूज कर सकते हैं उसको। सबसे पहली प्रिफ्रेंस आपको देनी है कि आपके घर के पास में लोकेशन कौन सी पड़ रही है, आपके एरिया के पास कौन सी लोकेशन पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने ही एरिया के आसपास, होम टाउन के पास रहना चाहता है, तो वहां पे आपका जो है 132 या 220 kV कौन सा GSS आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट होती है RVPN में, लेकिन सबसे ज्यादा जो इजी पोस्ट है, सबसे जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इजीली होता है, जहाँ पे काम भी होता है लेकिन आपको टाइम भी मिल जाता है, वो होती है आपके 220 केवी और 132 केवी जीएसएस जो आते हैं, वहाँ पर आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसके अलावा इस अगर ये सब हट जाते हैं, 220 और 132 केवी की पोस्ट फिल हो चुके हैं, तो उसके बाद आप कोई भी पोस्ट दे सकते हैं। उसके अंदर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए आपको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास में जो पड़ रहा है, या फिर जयपुर के नियर बाय कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, उस हिसाब से भी दे सकते हैं आप। और अगर जयपुर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी पोस्टिंग है, उसको कभी नहीं छोड़ना है आपको। अगर आप प्रायोरिटी में आ रहे हैं, तो अगर आपको लोकेशन जयपुर की मिल रही है किसी भी GSS की, या फिर कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर भी अगर कोई पोस्टिंग मिल रही है, तो उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है। जयपुर की कोई भी पोस्टिंग आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी आती है वो सारी जयपुर की है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, उसके अलावा 132 और 220 केवी के अलावा जितने भी हैं पोस्टिंग, वो सारी एक जैसी हैं। उसके अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, जैसे JVVNL है, AVVNL और JDVNL, ठीक है, तीनों एक जैसे हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट का फर्क है। तो मुझे AVVNL और JDVNL के बारे में, एरिया के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं। मैं यहाँ पे बात करूँगी आपको जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं JVVNL में, और नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी है JVVNL में, तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके अंदर।
प्रायोरिटी में जो लोग आएंगे उनको प्रायोरिटी लिस्ट में जो मिलेगी कंपनी। तो अगर JVVNL की बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी रहेगी जयपुर, क्योंकि जयपुर जो आता है आपका JVVNL में आता है। तो जयपुर की कोई भी पोस्ट है वो आपको ले लेनी है, कभी नहीं छोड़नी है किसी के लिए भी। या ये भी नहीं सोचना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोई और है, जैसे आप झालावाड़ के रहने वाले हैं लेकिन आपको जयपुर में पोस्टिंग मिल रही है, जैसे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और जयपुर में पोस्ट है लेकिन आप झालावाड़ के रहने वाले हैं और झालावाड़ में भी पोस्ट है तो आप झालावाड़ ले रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर आप झालावाड़ के भी रहने वाले हैं तो भी आपको जयपुर की ही पोस्ट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि सबसे अच्छी पोस्टिंग जो मानी जाती है वो जयपुर की मानी जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा जो है मोहमाया से दूर रहना है अपना, ये नहीं है कि हाँ भाई मैं झालावाड़ का रहने वाला हूँ तो झालावाड़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ, जयपुर में क्यों जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। जयपुर में बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी पोस्टिंग है यहाँ पे, लोकेशन बहुत अच्छी है और हर कोई इंसान जयपुर में ही पोस्टिंग चाहता है। अगर आपने एक बार झालावाड़ में पोस्टिंग ले ली है तो वहाँ से आपका जयपुर आना लगभग ना के बराबर तय है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी जयपुर रहनी है, किसी भी तरह की पोस्ट है जयपुर के अंदर वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है जहाँ तक कि आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको लेना है, ठीक है, जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो टॉप मोस्ट मार्क्स वाले हैं, जैसे एक एक करके सबको बुलाएंगे मार्क्स के हिसाब से। तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट देंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको पोस्टिंग के बारे में लोकेशन नहीं देंगे, ये दे देंगे कि जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें 10 लोकेशन है, 10 पोस्टिंग है, तो आपको जयपुर में चाहिए तो टॉप जो 10 बच्चे हैं टॉप मार्क्स वाले वो जयपुर में ले लेंगे इस तरह से। अगर जयपुर की सारी वैकेंसीज फिल हो जाती है, क्योंकि वो आपको वहाँ पर ऑनलाइन डिस्प्ले होता रहेगा कि किसने कौन सी लोकेशन ले ली है, जयपुर के अंदर कितनी वैकेंसीज अभी बची हुई हैं, तो अगर वो सारी फिल हो जाती हैं जयपुर की तो फिर आपको करना है टारगेट जयपुर के नियर बाई एरियाज को, ठीक है, जैसे आपका दौसा है, टोंक है, अलवर है, इस तरह के एरिया। अगर आप इन एरिया के आसपास आते हैं तो, क्योंकि जयपुर के अलावा अगर फिर आप कहीं पे भी आते हैं तो अपने होम टाउन की लोकेशन लेना ही प्रीफर करेंगे अगर जयपुर नहीं मिल रहा आपको। लेकिन अगर आप अलवर, टोंक और दौसा के आसपास आते हैं नियर बाई, तो आप ये लोकेशन ले सकते हैं जयपुर के बाद में, टोंक, दौसा और अलवर। अलवर के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बकवास हैं, जिनको बिल्कुल भी कोई जाना पसंद नहीं करता है वहाँ पे, लेकिन दौसा और टोंक जो है वो काफ़ी अच्छे एरियाज में आते हैं तो वो ले सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा खराब एरिया जो माना जाता है वो है आपका बारा, झालावाड़ और भरतपुर के कुछ एरियाज, ठीक है। अगर कोई झालावाड़, भरतपुर और यहाँ का रहने वाला है तो उसको बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस तरह का वर्क एक्सपीरियंस रहा है लोगों का उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। भले ही वहाँ का लोग रहने वाले बहुत अच्छे हैं, रहन सहन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुझे उसके बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल दिल पे लेने की जरूरत नहीं है वो बात। मैं बात कर रही हूँ एक वर्क लाइफ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बात करें कि सबसे बकवास एरिया में कौन से आते हैं, या फिर कोई भी वहाँ पे प्रीफर नहीं करता, या फिर किसी का भी सस्पेंड करते हैं या किसी को APO कर देते हैं, तो उनको इसी एरिया में भेजते हैं जिनको थोड़ी मुसीबत देनी होती है, डिस्कॉम जिनको, सरकार जिनको, निगम जिनको थोड़ी मुसीबत देना चाहता है, उनको इस तरह के एरियाज में भेजना चाहेगा सब हर कोई। तो वो आते हैं आपके झालावाड़, बारा, भरतपुर के कुछ एरियाज, और बूंदी भी इसी तरह में आता है। तो कोटा से आगे जाके जो भी आते हैं आपके कोटा के नियर बाई एरियाज वो सारे इसी तरह के हैं। धौलपुर में भी काफ़ी खराब एरियाज है और कुछ कुछ एरिया अलवर के अंदर भी आते हैं आपके। तो इस तरह से मतलब जो बाहर के ये जो आते हैं आपके सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है, झालावाड़, बूंदी, बारा, इस तरह के एरियाज में बहुत लोग कम जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ की वर्क लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, और कोई भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता है। एक ही इंसान के पास चार चार चार्जेस होते हैं पोस्टिंग के। तो इस तरह से अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, अगर आपका घर वहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियसली आप वही लोकेशन लेंगे। अगर झालावाड़ के रहने वाले हैं, जयपुर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली झालावाड़ ही लेना पसंद करेंगे आप, अलवर क्यों जाएंगे उसके लिए। लेकिन अगर आप वहाँ के नहीं रहने वाले हैं और अगर बूंदी, बारा, झालावाड़ इनमें से किसी के भी रहने वाले, तो खुद का होम टाउन ले ले, दूसरा होम टाउन, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसी के जैसा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलवर, टोंक, दौसा और इस तरह के एरिया में अगर आप रहने वाले हैं और फिर आपको झालावाड़ जाना है, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात रहेगी, बिल्कुल प्रीफर नहीं करना है आपको इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह के एरिया आपको अलॉट हो रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है आपको। उसके बाद अगर बात करें अपन कि कौन सी पोस्टिंग मतलब किस वाली विंग के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा है, कौन सी विंग में रहना है, आपको जो है काम करना है या काम कम करना है और पढ़ाई करनी है आगे के लिए, उस तरह की अगर बात करें
मुझे लगता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको जो है पोस्टिंग की लोकेशन के भी काउंसलिंग उसके अंदर आएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 10 जगह लोकेशन है तो 10 में से कौन सी लेना चाहेंगे। इस तरह की पॉसिबिलिटीज मुझे लगती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी कुछ 400-500 के आसपास है, तो इतनी ज्यादा काउंसलिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर इस तरह का भी होता है, जैसे जयपुर की बात करें, जयपुर में 10 जगह है आपके पास, 10 पोस्टिंग है, और उसके अंदर से भी आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सी पोस्ट आप लेंगे, तब आपको एरिया भी प्रीफर अगर कर रहे हैं वहाँ पे, एरिया भी प्रायोरिटी में मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लेना जयपुर सिटी के कोई भी एरिया ले लीजिए। जयपुर सिटी के सारे एरिया अच्छे हैं, मतलब रूरल के बजाय सिटी के एरिया ज़्यादा प्रीफर करते हैं सब। और उसके बाद अगर बात करें तो सिटी के अंदर इतना ज़्यादा डीप में जाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इसको और उसके बाद थोड़ा सा सही नहीं रहता। लेकिन सिटी की लोकेशन प्रीफर करें जयपुर में। और उसके बाद जो है, अगर रूरल की बात है, जयपुर रूरल की, तो उसके अंदर आपको जो है ध्यान में रखने की चीज़ है कौन सा एरिया नहीं लेना है, वो है आपका कोटपुतली। वहाँ पे भूलकर भी नहीं जाना है आपको, तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी नहीं है अभी, मुझे जहाँ तक लगता है वैकेंसीज नहीं है, तो इस एरिया में आपको नहीं जाना है। इसके अलावा जयपुर के कोई भी एरिया आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करें अलवर, भरतपुर, दौसा, इन सब के अंदर, तो यहाँ पे भी आप अलवर के अंदर जो है 2-4 एरिया है, कठुमर है, दो कुछ छटे हुए एरियाज हैं जहाँ पर लोग नहीं जाना पसंद करते, जैसे धौलपुर में है, बाड़ी है, बसेड़ी है, इस तरह के, भरतपुर में जो यूपी बॉर्डर के एरियाज हैं उस तरह के, झालावाड़ में तो सारे एरिया ही एक जैसे हैं, तो कहीं भी चले जाइए आप अच्छे से, तो वहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपन को। बूंदी है, बारा है, इस तरह से, कोटा अच्छा है आपका, कोटा शहर तो पूरा का पूरा जो है उसके KDL के पास में है, तो कोटा में आपका रूरल और इस तरह का रहेगा। और उसके बाद विंग की अगर बात करें तो विंग जो है सबसे ज्यादा, विंग आपकी 3-4 तरह की विंग है इसके अंदर, जैसे विजिलेंस विंग है, ओवंडम विंग है, एक HTM है आपके, हाई टेंशन मेंटेनेंस, और इस तरह से, या फिर कॉरपोरेट जॉब्स भी काफ़ी हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनके अंदर, बहुत सारी विंग है, तो यहाँ पे जयपुर सिटी के अंदर वहाँ पे भी आपको अगर मिल रही है तो कॉरपोरेट जॉब कभी छोड़नी नहीं है आपको, अगर आगे ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम मिलता है। फील्ड की जॉब अगर आप ले रहे हैं तो बहुत कम टाइम मिलेगा उसके अंदर, फील्ड जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ओवंडम आप ले रहे हैं तो फिर टाइम की भूल ही जाए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, काम करने को ही टाइम नहीं मिलता वहाँ, तो पढ़ाई तो दूर की बात है। तो इस तरह से है आपका, तो आप जब काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जो जो मैंने बताई है वो सारी आपको याद कर लेनी है। तो जब लिस्ट आएगी आपकी, सबसे पहले किस तरह से आएगी, सबसे पहले आपकी लिस्ट आएगी फिजिकल पीपल विद डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है। पीपल विद डिसेबिलिटी होंगे उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि आप चूज कर लीजिए। उसके बाद इन सर्विस जो लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं उनको, उसके बाद में आएगी आपकी एक्स सर्विस मैन जो है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद फीमेल को मिलेगी, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट प्रायोरिटी तो हमेशा होती है बॉयज की, तो मिलेगी आपको लास्ट प्रायोरिटी, तो इस हिसाब से भी आपको देख के रखना है। उसके अलावा आपको एरिया वाइज भी देख के रखना है कौन सा एरिया लेना है कौन सा नहीं लेना है। किसी भी विंग के अंदर हो, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को छोड़ के आप बाकी किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो जयपुर की पोस्टिंग कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अजमेर और जोधपुर में तो कोई जयपुर की पोस्टिंग आती नहीं है, 1-2 पोस्टिंग है विद्युत भवन में उसके अलावा। लेकिन आपको अगर जयपुर की कोई भी पोस्टिंग मिल रही है तो उसको कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और कॉरपोरेट जॉब मिल रही है, कॉरपोरेट अगर कोई पोस्टिंग है आपकी प्रायोरिटी में आ रही है तो उसको भी नहीं छोड़ना है, जो ऑफिस जॉब है इस तरह से, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, आगे की स्टडी कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पे भी सेटल होना होगा। हर एक इंसान जो है कुछ एक एम अपना ले अचीव कर लेता है और उसके बाद में उसको नेक्स्ट एम पे फोकस करता है, ठीक है। हर इंसान प्रोग्रेसिव होता है अपनी लाइफ में, और कभी भी हमको जो है एक जगह सेटल होकर नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, आगे के बारे में सोचना है और ज्यादा अपने गोल्स जो है अचीव करने होते हैं सबको, इस हिसाब से भी आपको देखना है। तो यही बाकी चीजें हो गई हैं सारी की सारी। RUPN में मैंने आपको बता दिया है GSS के बारे में, जयपुर के नियर बाय लोकेशंस को हमेशा प्रायोरिटी में रखना है, और उसके अलावा आपके जो है जयपुर विद्युत वितरण निगम के बारे में भी मैंने बता दिया है, कौन से एरिया में नहीं जाना है, कौन से एरिया में जाना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रीफर करना है, और जिन भी लोगों के डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो उनको, तो भी मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अभी ऐसा ही है जो सबको पता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। और आपका रिजल्ट जो है जल्दी ही आने वाला है, तो
तो उसके लिए बिल्कुल आप, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे टेंशन में होंगे कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा आपका रिजल्ट, काफी जल्दी आएगा अभी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।